डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम डिस्कशन करेंगे स्टेरिन के बारे में। स्टेरिन के जो कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो है आप देख सकते हैं मैसी फर्गूसन जो है ट्रैक्टर है, इसकी स्टेरिन, ये जो स्टेरिन है मैकेनिकल टाइप है, मैकेनिकल स्टेरिन जो है हम कहते हैं इसे, जो दो प्रकार की होती है, सिंगल ड्रॉप जो है आर्म सिस्टम और डबल ड्रॉप आर्म सिस्टम। इस ट्रैक्टर में जो है डबल ड्रॉप आर्म सिस्टम है। डबल ड्रॉप आर्म सिस्टम का मतलब ये है कि जो स्टेरिन जो व्हील होती है, यहाँ से आप देखेंगे जो ये पिटमैन जो आर्म होती है या ड्रॉप आर्म होती है, दोनों तरफ होती है, इधर साइड भी होती है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड होती है, मतलब दोनों साइड होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल ड्रॉप आर्म कहते हैं। ये देखिए, ये इधर भी है, इधर भी जो है पिटमैन आर्म है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, डबल ड्रॉप आर्म सिस्टम कह देते हैं मैकेनिकल जो है स्टीयरिंग का। अब देखिए इसके कुछ जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में जो है डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला हमारा ये क्या हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गया। स्टीयरिंग व्हील के बाद ये जो है यहाँ से लेके और स्टीयरिंग गियर बॉक्स तक जो जाता है, ये वाला जो पार्ट है ये स्टीयरिंग कॉलम होता है। इस स्टीयरिंग कॉलम के अंतर्गत जो है शाफ्ट होती है, ये जो शाफ्ट होती है ये स्टेरिन व्हील से जुड़ी होती है। फिर प्यारे विद्यार्थी और देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो है स्टेरिन व्हील से जो है ये स्टेरिन कॉलम, ये वाला जो है इधर से दिखाएंगे ये देखो, ये जो है ये पूरा जो पार्ट है, यहाँ से आप देखेंगे जो स्टेरिन जो व्हील है, यहाँ से स्टेरिन, ये स्टेरिन कॉलम है भाई, ये पूरा का पूरा जो है क्या है, स्टेरिन कॉलम। ये देखिए स्टेरिन कॉलम है ये वाला। अब स्टीयरिन कॉलम ये पूरा जो है ये होता है स्टीयरिन गियर बॉक्स, स्टीयरिन गियर बॉक्स होता है। इस स्टीयरिन गियर बॉक्स से ये जो है ये दोनों तरफ निकलती है लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो ये होती है पिटमैन आर्म। क्या होती है, पिटमैन आर्म, या इसे हम कहते हैं ड्रॉप आर्म। क्या कहते हैं, पिटमैन आर्म या ड्रॉप आर्म जो है कहाँ से निकलती है, इस स्टीयरिन गियर बॉक्स से निकलती है। फिर उसके बाद जो है ये देखिए, इसके अलावा जो है अब देखिए, ये जो पिटमैन आर्म है ये जो जुड़ी रहती है पूरा जो है, ये जो है पूरा, ये जो है ये होती है ड्रेड लिंक। क्या होती है, ड्रेड लिंक होती है, ड्रेड लिंक के बाद प्यारे विद्यार्थियों ये देखिए, ड्रेड लिंक जिससे जुड़ी होती है वो क्या होती है, स्टीयरिंग आर्म होती है, स्टीयरिंग आर्म, ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है ये है स्टीयरिंग आर्म। ये स्टब एक्सल होता है, ये पूरा स्टीयरिंग आर्म जो है, और ये पूरा यहाँ तक, ये जो है हमारा जो है फ्रंट व्हील है, और फ्रंट व्हील ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ वाले पार्ट से, यहाँ से लेकर और पूरा जो है ये जो है इधर से बताएंगे, देखो ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करो, ये वाला पूरा पार्ट और यहाँ तक जो है पूरा पार्ट जो रहता है ये स्टब एक्सल होता है। क्या होता है, स्टब एक्सल होता है। अच्छा देखिए, जो स्टीयरिंग आर्म होती है, स्टीयरिंग आर्म और स्टब एक्सल यहाँ पर एक पिन से जुड़े होते हैं जिसे टिंग पिन कहते हैं, जो अंदर यहाँ पर ढकी हुई है, जो गोल होती है, एक गोल होती है ना, राउंड शेप इसमें गोल होती है, रॉड टाइप होती है, उसे हम टिंग पिन कहते हैं। ये आपका फ्रंट व्हील हो गया, ये होता है फ्रंट एक्सल, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जहाँ पर दो फ्रंट व्हील आपस में जुड़े होते हैं, जिससे ये होता है फ्रंट एक्सल, जो एडजस्टेबल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने स्टीयरिंग, जो मैकेनिकल स्टीयरिंग होती है उसके कंपोनेंट जो है हमने बताए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना जो है स्टीयरिंग व्हील हो गया, स्टीयरिंग आर्म हो गया, टिंग पिन सॉरी जो है ये अपना जो है पिटमैन आर्म हो गया, ये ड्रेड लिंक हो गई, ये स्टीयरिंग आर्म हो गई, इसके अंदर जो है टिंग पिन हो गई, ये स्टब एक्सल हो गया, ये फ्रंट व्हील हो गया, ये जो है फ्रंट एक्सल हो गया। ये पूरा कंपोनेंट जो है मैंने आपको जो है बता दिए हैं, जो कि ये डबल ड्रॉप आर्म जो है सिस्टम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप चाहते हैं इस ट्रैक्टर के जो है पूरे कंपोनेंट और इसकी जो है किस प्रकार से जो है इनका कार्य रहता है, वर्किंग जो है जो प्रिंसिपल है वो किस प्रकार का रहता है, यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट करें कि सर हमें जो है इसके बारे में बताइए, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।